एक साल कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। एक साल नहीं भैया, होटल खोले सिर्फ 10 महीने हुए हैं। मैं होटल की नहीं, अपने दोस्तों की बात कर रहा था। तू अपने दोस्तों को हमेशा याद करता है, लेकिन वो तुझे कभी मिलने भी नहीं आए। अरे माँ, बहुत दूर रहते हैं सबके सब, कोई किसी शहर में तो कोई किसी शहर में, लेकिन शीतल की शादी में सबको जरूर बुलाऊंगा। जब तक दहेज का बंदोबस्त नहीं हो जाता, हम शादी की बात सोच भी नहीं सकते। मुझे मनोहर पर ताज्जुब होता है, पुलिस इंस्पेक्टर है तो भी दहेज के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। माँ, 50,000 रुपयों की मांग मनोहर ने नहीं की, उसके पिताजी ने की है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटा, इतनी बड़ी रकम लाओगे कहाँ से? अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है, सब बंदोबस्त कर दूंगा। हाय, हाउ आर यू जॉर्ज, गैरेज का काम कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास, आपकी मेहरबानी से काम भी मिल गया और रहने के लिए होटल भी। गुड, जाओ खाना खाओ। थैंक यू। पैसा नहीं है? अरे वाह, खाना खा लिया बोलता पैसा नहीं है, अबे लंगर है क्या ये? ओ साहब इधर आना साहब। ये क्या हंगामा हो रहा है? अब देखो ना साहब, 7 रुपए का खाना डट कर खा गया, अब बोलता पैसा नहीं है, क्यों बाप का होटल है क्या? चुप, तमीज से बात करना सीखो। अरे क्यों पापा, पैसे नहीं है आपके पास? जेब कट गई आपकी? जी नहीं, जेब अब कुछ नहीं कटी, झूठ नहीं बोलूंगा, 2 रोज से कुछ नहीं खाया, काम कोई मिलता नहीं, भूख से मजबूर होकर अब क्या बताऊं? 2 झापड़ मारूंगा सारी भूख निकल जाएगी तेरी। गोपाल जाओ अपना काम करो। बाबा जाइए काम ढूंढ लीजिए, फिर भूख लगेगी फिर आ जाइएगा, जाइए। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। हाँ, तुम्हारे जैसे ग्राहक आए तो हो गए सुखी। अरे वाह, कितना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल रखोगे तो होटल बंद करना पड़ेगा। ए, पैसा ही क्या? हाँ है। हाँ, ये पैसा है ना तुम लोगों के पास? हाँ, नहीं तो उठाकर फेंकेगा। अरे बर्तन तो मेरे को धोने पड़ते हैं ना, मेरा होटल होता तो दी आ गई मुझे। ऐसा ही होता है, देखो तो पहुंचे लेने आता है। अरे चलो 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 चलो, आगे पिट जाएगी। आ गए गुंडे, वसूली करते हैं। ये वो फिर बाद में ले जाना बाबा, बाद में ले जाना। ये जुर्म कब तक होता रहेगा? ये क्या लूटमार मचाई है? तुम दुनिया की हजामत बनाते हो, हम तुम्हारी बनाएंगा। क्यों यार? लग रहो मालूम अब कविराज क्या हो रहा है? ये फिर आ गए हो मेरी दुकान में लूटमार करने के लिए? लूटमार? हम तो अपना हक लेने आए हैं। एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम्हारा पाला फजल दीन से पड़ा है, फजल दीन रामपुरी से। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहा है? पहुंचा नहीं से रामपुर। राजू सेठ होटल वाले, तुमसे भी बहुत दिन की वसूली बाकी है। लगता है भैंस का दूध पीकर बड़े हुए हो। अगर माँ का दूध पिया है तो मेरी होटल की तरफ बढ़ के तो देखो। अले अले अले, मेरा मामा लगा क्या? नहीं बाजे, तुम एक लगाओ। अरे कंस मामा, कल फिर आएंगे। अरे
फिर मार खाएंगे। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि इन लोगों को रुपए मत देना, जितना डरोगे उतना ही डराएंगे। हाँ, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजू भैया है ना हमारे साथ। पहले इसका पता लगाना होगा कि इन गुंडों का लीडर कौन है।